देख रही हूँ सारे रशियन बच्चों ने अपना अपना काव्य पाठ कर लिया है, तो इस रथ के जो सारथी है हमारी इंदिरा जी, हमारी मुख्य अतिथि। अब मैं चाहूंगी कि आप आइए और आज हमारे सामने कुछ बताइए, कुछ आप प्रस्तुत करिए। जी स्वागत है जी आपका इंदिरा जी। जी जी जरूर। तो ये था स्वागत है हमारे, जी हेलो, सुना है? अच्छा जी जी सुनाते हैं। हाँ, हाँ आवाज आ जी, रही है। अच्छा, ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब लोग यही मंच पर जुड़े हुए हैं। आमंत्रित करने का मेरा मेरा हमारा बड़ा आभार। तो मैं हिंदी प्राध्यापिका हूँ, रूसी राजकीय मानविकी विश्वविद्यालय में हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य अनुवाद अध्ययन सिखाती हूँ। और लगभग वर्षों में दो 20 वर्षों के दौरान मैं अपनी छात्रों को लेके विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों को, शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों के साथ संयुक्त रूप से अनुसंधान सम्मेलन, संगोष्ठी आयोजित करती हूँ। तो मेरा जन्म उज्बेकिस्तान में, की राजधानी की ताशकंद में हुआ था। उज्बेकिस्तान देश 20वीं सदी में सोवियत संघ के पूर्व गणराज्य था। अब यहाँ स्वतंत्र देश है। 80 के दशक में 20वीं सदी में मैंने ताशकंद राजकीय विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा शास्त्र विभाग में स्नातक किया था। फिर मास्को राज्य विश्वविद्यालय में संस्कृत सीखने गई है। तब से मास्को में रहते हुए विश्वविद्यालय में काम करती हूँ। तो अब 1 साल हो गया जब लोग पूरी दुनिया में कोरोना महामारी में के शासन में रहते हुए हैं और विश्व की सभी प्रणालियां बदल चुकी हैं, यहाँ तक कि शिक्षा प्रणाली भी। और करंटीन की आबादी के दौरान मेरे छात्र छात्राएं दुरुस्त रूप से डिस्टेंस एजुकेशन में से अपनी पढ़ाई करते रहे। हाल ही में हिंदी और विदेश नीति विषय सीखने वाले मेरे छात्रों ने, जैसे आपने जानते हैं, अलान जी, यूले जी, अरीना जी, मुझे बताया कि इस वर्ष के दौरान उनका ज्ञान कम होता जा रहा है, क्योंकि घर रहकर उनकी पढ़ाई करने की इच्छा और प्रेरणा कम होती है। तो फिर भी कक्षा में बैठकर और प्राध्यापकों को सुनना तथा संवाद करना बेहतर और अधिक फायदेमंद है। गूगल के अनुवाद का उपयोग करने से अंग्रेजी या हिंदी के बड़े लेखकों का अनुवाद करना आसान हो जाता है, लेकिन छात्र नए शब्द नहीं सीखते हैं, उच्चारण कम हो जाता है, बुरा हो जाता है और बड़े विषय याद नहीं करते हैं। इसलिए जब श्रीमती श्वेता सिंह जी ने मुझे सितंबर को एक कविता बैठक में आमंत्रित किया और मैंने प्रसिद्ध वरिष्ठ भारतीय कवियों की कविताएं सुनी, तो ख्याल आया कि छात्रों को वीडियो पर हिंदी में लिखित कविताएं पढ़नी और रिकॉर्ड करना चाहिए। छात्रों के लिए ये कम कठिन था, क्योंकि उन्हें कविता पढ़नी थी, उसकी अर्थ समझना था, कविता की ताल को महसूस करना था, फिर उसे वीडियो पर रिकॉर्ड करना था। और सन 2020 के नवंबर में भोपाल के टैगोर विश्वविद्यालय ने विश्व रैंक ऑनलाइन साहित्य उत्सव का आयोजन किया था। मेरे छात्रों ने तो सभी आपकी कविताएं पढ़ी जो श्रीमती श्वेता जी ने मुझे भेजी। हमने यह वीडियो भोपाल भेजा, तो वाह ये बहुत बहुत अच्छा अनुभव था कविताएं सुनाना। उस सेमेस्टर में रूस में प्रसिद्ध रूसी कवियों की वर्षगांठ मनाई गई थी और उनकी कविताओं का हिंदी में अनुवाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अनुवादकों ने किया है। इसलिए हमने ऑनलाइन साहित्यिक संगोष्ठी का इंतजाम किया जिनमें छात्रों ने कविताएं सुनाई। 6 महीने में कविताएं सुनाते सुनाते छात्रों अपने उनका विचारन बेहतर
हो जाता है और वे सुनाना अच्छा हो जाता है बेहतर। उनका हिंदी आलसी छात्र की संख्या कम होने लगी और वे मेहनती बन गई है। तो यहाँ मंच में बुलाए हुए है, मैं बड़ा आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, आपकी मेहनत बढ़िया आई, आपके बहुत आभारी हैं इंदिरा जी का, हम बहुत आभारी हैं, बिल्कुल इंदिरा जी हम आपके बहुत आभारी बहुत हैं, मेहनती, हाँ मेहनती कर स्वस्थ रही, हम हमारी काम नहीं, तो अगले महीने हम भी सुनाते हैं आपकी कविताएं जो आपने भेज दी है। नहीं नहीं बहुत अच्छा, हम सुनाएंगे, श्वेता जी इंदिरा जी की भी एक कविता सुनना चाहते हैं, इनके मुंह से कविता भी सुनना चाहते हैं। अच्छा, एक कविता प्लीज आप भी सुनाएं। स्वागत है। कौन सुनाते, मैं? जी जी आप सुना। मैं सुनाती हूँ। जी 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 मैं आपको तो किसी की किसकी कविता सुनाती हूँ? जो आपको पसंद हो, बस आपके मुंह से एक कविता सुननी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तो वो कीर्ति काले जी का ही सुना दीजिए, कल आपने बहुत अच्छी कविता पढ़ी थी। हाँ जो कल नहीं, कल अच्छा जी, लास्ट टाइम भी आपने इंदिरा जी को मैंने सुना था, वो भी बहुत अच्छी थी। अच्छा तो कृति काले है, अच्छा ठीक है। तो अभी तो मैं डॉक्टर कृति काले की कविता सुनाना चाहती हूँ। तो मन की माला, ये तो गीत है लेकिन ये मैं कविता सुनाऊंगी। जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने अंक तरेरी, परंपरा के लश्कर जागे गुंजी अंबार तक रणभेरी, जिनको है स्वीकार सदा से तालाबों में गिर कर जीना, वो क्या जाने क्या होता है झरनों का पावन जल पीना, अनखोन में आकाश सजाना, बाहों में बादल भर लेना, कस्तूरी के लिए बतक कर खुद को भी पागल कर लेना, सूरज के संग जगाने सोने वाले कैसे जान नहीं सकेंगे, मतवालों की इस महफिल में कैसी जल्दी कैसी देरी, जो देख है सूरदास ने आंखों वाले क्या देखेंगे, जो महसूस किया मीरा ने ज्ञानी ध्यानी क्या सोचेंगे, दीवानों की इस बस्ती में कैसा पाना कैसा खोना, आसमान की चादर ओढ़ी धरती कर कर लिया बिछोना, जिसने अपने को पहचाना, जिसको मान का मिला खजाना, दुनिया भर की दौलत उसके आगे है मिट्टी की देरी, ईश्वर की आंखों से छलके होंगे सूरज चंद तारे, मुस्कान उनके पीछे छुप कर बैठी है दो आंसू खारे, सर्व स्वर्ण पत्र पर खुदवाए कितनों ने अपनी यश गथाई, कल जाए होने की धुन में बदली सारी परिभाषाएं, पर वो ही जीवित रह पाया जिसने आंसू को दुखराया, या फिर मन के बच पत्र है मन की सच्ची पीर अकेरी, जब भी मन की माला फेरी। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा। बुलाना चाह रही हूँ, उनका नाम है अमीना मुखमेद खानवा, रावल ना? नमस्ते, 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 नमस्ते अमीना। थोड़ा सा बता दूं कि ये आज हमारे पास साथ दो कविताएं पढ़ने वाली हैं। पहली कविता ये आदरणीय नरेश नाथ जी की कविता पढ़ेंगी, और जिस कविता का शीर्षक है जिंदगी में रंग तुम गुलजार से मांगो, और दूसरी कविता ये पढ़ रही है डॉक्टर रश्मि चौधरी जी की ग्वालियर से, और इनका इनकी कविता का शीर्षक है सफर। तो स्वागत है अमीना, आप पढ़िए और आपको सुना, आप जिनकी कविता पढ़ रही हैं वो दोनों यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं चाहूंगी आप लोग दोनों बारी बारी, पहले सर आप और उसके बाद आप,
उसका हौसला बढ़ाया। स्वागत है अमीना। वेलकम वेलकम। Намасте, моя нама Аміна хе. Ми русі раджки Амани, які усі віддіяли, які антрараштрія віпхак, які двіті варшки чатрахум. Ми гінді аурчині сахтіхум. Мудже бхарця санкритіки баре. Ми адгі гжанці пасанхе. Ми шрі рашмі чамхар, які кавіта пархунгі. Сафар. Свагат, свагат. Лакхонг душварион кебав джуд, пэт киаг гадхисер параладе, аурдил медах шатка губарлие, тум чалти джана нанге пэр, аур чалти джаеги тумхари бачи, тумари унгли пакрень, камар паралада бача барбар манге гадудх, камар пасто пани бхинаги, лакхонг кантон кебав джуд, тумэнь чалта паренг исырасте, Тум скучаги габраоге, каледжи чирти чумбансе сискоге. Пар тум химатна харна, мур карпична надехна. Рисне дена кунтал вонгсе, ки гахре итне бане панчинг. Карса ке кое дусре бии анусаран. Бохот, бохот шандан. बहुत शानदार अमीना। आप अभी दूसरी वेल डन। इसके पहले आप रश्मि जी से सुन लो। हाँ वेल डन अमीना जी। मैं बहुत रोमांचित हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी कविता का इतने अच्छे प्रोनाउंसिएशन से आपने कविता पाठ किया। और मुझे तो ये लग रहा था कि हिंदी की गंगा में डुबकी लगाने के बाद आपने वोल्गा में उसको प्रवाहित किया। बहुत मतलब रशिया और रशियन भाषा और हिंदी का इतना अच्छा तालमेल मैंने कभी नहीं देखा। और बहुत शानदार, आपकी जो पढ़ाई है उसको भी आप आगे रखिए। और मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं है कि आप हमेशा अव्वल रहें, हमेशा प्रथम रहें, फर्स्ट रहें और हिंदी को लेकर ऐसे ही परचम लहराती रहें। बहुत शानदार, आप कोशिश जारी रखिएगा। बहुत अच्छा, चाहूंगी सारे लोग एक बार ताली बजा के इसका हौसला बढ़ाएं। बहुत 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 शानदार जी। अमीना, अब आप दूसरी कविता नरेश नाथ जी की पढ़ रही हैं। जिंदगी मरांग तुम गुलजार से मांग करो, और खिजाम में मस्त रखना खार से मांग करो, गिरगिराया मत करो तुम एक भिखारी की तरह, जो भी तुम का चाहिए अधिकार से मांग करो। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सर सर आप उसके लिए कुछ बोले। बहुत अच्छा बेटा सुनाया आपने, और आप हमारी महिला काव्यमंच की सदस्य हैं, बहुत पहले से हैं, आपको मैंने पहले भी सुना था। आपका स्वागत करता हूं, आशीर्वाद देता हूं, महिला काव्यमंच से आप जुड़ी रहें, इसी तरह कविता पाठ करती रहें। कविता खुद में एक बहुत ही अच्छी शैली होती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर अमीना, बहुत बढ़िया कविता आपने कही। नेता जी अलीना फसाखवा यहाँ है, वो तो तर्तास्तान गाजान सिटी से आई हुई है। अलीना जी उनको बुला लीजिए पहले, उनको ही बुला लीजिए। अलीना जी बोलिए। नमस्ते, मेरा नाम अलीना फसाखवा है। मैं कजन शहर में एक मिनट मैं आपको बता दूं कि अलीना जो है दुर्गा जी आपकी कविता पढ़ने के लिए आ गई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, स्वागत है बेटा। अलीना जी बोलिए। अलीना स्वागत है, स्वागत है अलीना। मैं कजन शहर में पैदा हूँ थी, जो वोल्गा नदी के किनारे में स्थित है। मुझ तार अंग्रेजी आती है, आप चीन और हिंदी सीख रही हूँ। मुझे दो छोटे भाई और दो छोटी बहन है। मैं विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहती है। अपनी परहेज के अलावा मैं एक कैफ में भी काम करती है। भविष्य में मैं चीन और भारत दोनों में शिक्षा प्राप्त करके
अच्छी नौरी की पान और अपने परिवार की मदद करना चाहती हूँ। अलीना जी, अलीना जी, हाँ बोलिए तो ये सुनाइए हमारे तो दो कविता है हिंदी के बारे में। विश्व एक की भाषा हिंदी, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा, जनजन की कल्याण की भाषा, सृजन शक्ति का स्रोत भरा है, शब्द शब्द की गहराई में, सूर्य प्रक्षित दमक रहा है, जीवन की हर अरनाय में, चिंतन मनन कल्पना सर्जन, हिंदी है हर भाव की भाषा, दोहे मुक्ताक छंद रसिकता, भवन से परिपूर्ण सरसता, कुंठिन मन को मुखरित कर दे, निर्जर शब्दों की चितंता, पावन पुनीत पुष्पित पलवित, हिंदी सुरसर गान की भाषा, जीवन शैली या भरा की, गौरव अधिक वर्णित इसमें, मेखला यही है वसुध की, स्वर्णिम भवी चित्रित इसमें, गर्म जति और राष्ट्र से ऊंचे, विश्व एक या की भाषा हिंदी। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जुड़ पाए इतनी दूर से थोड़ी देर के लिए, सही जुड़ पाए। सच में बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत नहीं कुछ प्रॉब्लम भी है घर पे, उसके बावजूद भी जुड़ी, बहुत 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 सराहनीय। वो तो मास्को नहीं ही, वो तो ततरस्तान में, अभी तो नेटवर्क तो अच्छा नहीं है, तो धन्यवाद अलीना जी। तो हम पहले बुला लेते हैं, वो तो हम बुलाते हैं अलोना प्लोटनिकोवा, यहाँ है अलोना जी। नमस्ते, आप अच्छा। सुशील जी की कविता पढ़ रही हैं, वो है समाज तो विकलांग था, तो स्वागत है। अच्छा, अलोना जी, जी जी जी, अपना परिचय भी कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम अलोना प्लोटनिकोवा है, मैंने रूसी राज्य के मानविकी विश्वविद्यालय है की छात्र हूँ। इस विभाग में हम छात्रगण विभिन्न विषयों का अध्ययन करते हैं, इनमें से हिंदी और चीनी भाषाओं को सीखना सबसे प्रिय बात है। मुझे एक कूटनीतिक करियर पसंद है। मैं श्री सुशील आजाद की कविता पढ़ूंगी, समझ तो विकलांग था। स्वागत। जब याद आते बचपन तो याद आती है समाज के लोगों की वो हरकतें, जिनमें पनपती थी दूसरों के प्रति संवेदनहीनता और पूर्वाग्रह की दुर्गंध समाज की विकलांग के लिए, ये सभी दांस जलते थे अक्सर जो मेरे परों से होकर गुजारते थे। स्कूली दोस्तों की जेब से निराक्षर लोगों की तकजीफ, निथले दिमागों की पत्थरों से अतारते थे दांच, शाम ढले चमगादड़ों की तरह। अक्सर सुनता था खरीदाय को चीरते नए उपमान और ऐतिहासिक पत्रों से तुलनाएं, जिनके बारे में ज्ञान नहीं था, घर के बेघर के दमघोट हु हवा और हवा में तैरते शब्दों के प्रहार से बचती हुई मेरे आत्मा मांग के अंचल थले भी अदृश्य भया और प्रशानों से उलझाए रखती थी मुझे। बस एक दिन में से पूछ ही लिया मुझे क्यों मिलते हैं ऐसे लोग, मन ने सहज बताया था कि तुम नहीं समाज की विकलांग है, जो समझते हुए भी नहीं समाज पता अपनी बेबसी, सच समाज ही तो विकलांग है। क्या बात, वाह, बहुत बढ़िया। ये अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं बुलाना चाहूंगी अरीना नोविकोवा को, जो कि हमारे साथ जुड़ी हैं, और आज वो स्नेहा देव जी की कविता नारी हूँ मैं का वाचन करेंगी। तो स्वागत है आपका अरीना, और स्नेहा जी भी यहाँ है, आपकी कविता सुन रही है, तो आप अपनी कविता सुनाए। नमस्ते, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस बैठक में भाग ले रही हूँ
और मेरा नाम अरीना नोविकव है. मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभाग के एमए के प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ. मैं मास्को स्टेट यूनिवर्सिटी के दिव्यान विभाग का स्नातक थी. मुझे अंग्रेजी, हिंदी आदि हैं और अब मैं स्पेनिश सीख रही हूँ. मुझे स्पेनिश क्या बात है? मुझे भारतीय जनजातियों और उनके जीवन तथा गुजार के साधन में बड़ी रुचि है. मैं दो बार भारत गई थी और सन 2019 और 2020 मैं गुवाहाटी विश्वविद्यालय और पुणे विश्वविद्यालय के आयोजित सम्मेलनों में अपनी शोध प्रस्तुति दी. Гана начна китабен пархна ор кар чалане мэра шок хэн. Бхавиш яме мэ брикс сангатхан мэ кам карначах тиху. Ор абхи мэ шлемати снэхадев ки кавита пархунги иска нам нариху мэ хэм. Рачна бхи мэ. Рач яйта бхи хум. Шришти мехум, сваен шришти пхихум, шиф ме пхихум, шиф шакти пхим, премка бхандар, ор бхакти пхим, ме беченихум, арам пхим, бхаткав пхи вирам пхим, растаху ме, ор манзиль пхим, катра эк бунт, самандар пхим, ман пхиху ме, ман мохини пхиху, камна пхиху, камини пхиху, комль сваруб, Пардами не пхихум, свабхима ниху сада, дай не пхихум, аннапур мхихум, мандаки не пхи, ма пхихуме, сахчари не пхихум, даршник хум, даршан пхиме хум, самраг ехум, сав самарпан пхихуме, ишвар нахиху, усе кам пхи нахиме, бас нихарун, на чхукар дхумилькаро, Дживан хум, кахани суна набхрамит каро, кья доги тум мудже, джо мудже нахи, мен нари хум, васудха хум, бхари хуме, сваян ме пури хуме, нари хуме, нари хуме. Дханьяват. बहुत और अब मैं बुलाना चाहूंगी एकेतरीना मास्कुलेनका को जो कि हमारे साथ जुड़ी है और नरेश नाज जी के दोहे वो पढ़ के सुनाएंगी हमें. नमस्ते, मेरा नाम मास्कुलेनका एकेतरीना है. मैं रूसी राज्य के मानविक विश्वविद्यालय की द्वितीय वर्ष की छात्र हूँ. मैं चीनी और हिंदी भाषा सीख रही हूँ. मुझे भाषा सीखनी अच्छी लगती है. Хавиша мэйн, мэйн вяпар, мэйн трэлай мэйн, камкарна чатрихун. Фирмон кодэкне китабэйн пархне аур багича мэйн пул, сабзияна аур пха люгане камера шаукхэйн. Вау, бот сундэр. Мэйн шрина рэшна ски кавита пархунге. Исканам дохе. Ун чи сурмэна каро мат питася бат. Ун ки катки самне, апникя аукат. Ман савача кармна, матрипху мимелин, бас я дживан сартха, баке дживан хин. Джестин ман самаргаи, кавитаон кипир, хир туто прахачайги, на соне на хир. Харат хин дукаватан, муслим кабхидхам, Аллаху акбар мэнгахун, туболе ширам. Душман марат джайнге, сарак ахиркар, Джагра хахетешме, гхар кхарчау китар. Сарак. Бахат Янкираха, Есагаратхин, Исилия Кхарараха, Намитка, Намкин. Теневат. Бахат Сундерликин. Бахат. Бахат Шандар. Бахат Бадия. Ун двоеко билкул сартак кар дия, джис бхав се мене ликхе хе, уси бхав се апне инко пада хе, то лага ке мера ликхна сартак хо гя. Бахат хи ачча лага. और मैं आप सभी बच्चों से, आपसे भी और सभी बच्चों से चाहूंगा कि वो लोग खुद भी अपनी कविता लिखना शुरू करें. हम बुजुर्गों का, बड़ों का आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहता है और श्वेता जी आपके साथ हैं, उनकी प्रेरणा मिलती रहेगी. बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद. नरेश सर, बहुत अच्छा लेखन, बहुत सुंदर लेखन आपको.
बहुत बढ़िया कविता जी. तो अब मैं देख रही हूँ हमारे साथ जुड़ी हुई है सोफिया किसलेवा. सोफिया जी, तो ये नमस्ते. नमस्ते, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए. ये आज मेरी कविता पढ़ रही है शब्दों का कारोबार. स्वागत है आपका. नमस्ते जी, मेरा नाम सोफिया है. मैं रूसी राजकीय मानविकी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय विभाग की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ. मैं विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहती हूँ. मेरा घर नगर ओम्स्क नगर है, जो रूस के सबसे बड़े शहरों में अनोख है. वह इर्तिश नदी और ओमी नदी के संगम पर स्थित है. मेरा घर नगर पुराना है, उसकी उम्र 300 साल है. मुझे डांसिंग और विश्वविद्यालय में पढ़ना बहुत पसंद है. हमें बहुत सारे दिलचस्प विषय सिखाए जाते हैं, खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इतिहास. भविष्य में मैं भारतीय चीनी संबंधों में एक विशेष गया बनाना चाहती हूँ और रूस भारत चीन संगठन में जोड़ना चाहती हूँ. मैं श्रीमती श्वेता सिंह उमा की कविता पढ़ूंगी. शब्दों का कारोबार. नफा तो कभी नुकसान, दिमाग से निकले तो थोड़ा सख्त, दिल से होते तो आसान. घर पर जब तक थे चाह घर से दूर जाना, अब घर से जब दूर हो तो चाह लौट के घर वापस आना. जिन गलियों में बचपन बीता आज अनजाना सा लगता है, अपनी महबूब से बिछड़ा हुआ कोई दीवाना सा लगता है. बचपन की यादों को समेटे वो बच्चा, शायद अब तक जिंदा है तू. घोसले कुछ और उड़ तो गाया, वापसी को तरसता बेटा, परिंदा है तू. वक्त के इम्तिहानों ने सिखाए, जिंदगी के लिए बहुत नहीं लगता है. खुशियां और सुकून वो तिलस्म है, जो दूर से बहुत ही चमकता है. उस फरेबी चमक को पाने के लिए कई अमोल रिश्तों को तोड़ आइए. अपनी जिंदगी के सच्चे नायक चमकीले लम्हों को पीछे छोड़ आइए. चलो अब वापस चलते हैं अपनों के बीच बचपन की छान में, राम रहीम की वो पाकी जयारी. जिंदा है आज भी मेरे उस गांव में. बहुत धन्यवाद. बहुत 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 बढ़िया. राम रहीम की पाकीज़ा यारी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उच्चारण. बहुत अच्छा सोफिया, बहुत ही स्पष्ट उच्चारण. बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत स्पष्ट पढ़ा है. बहुत अच्छा लगा. बहुत एक एक शब्द इतने अच्छे से समझ में आ रहा है. तो बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल जी. तो मैं आपके लिए चार लाइन बोलना चाहूंगी कि आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों में जो लगन है नई भाषा नए कल्चर कुछ सीखने के लिए, तो आपका भविष्य बहुत ऊंचा है. तो आपके लिए कहना चाहूंगी कि कर्मों की मिट्टी से जीवन की प्रतिमा बनाओ. कर्मों की मिट्टी से जीवन की प्रतिमा बनाओ, उसे अपनी मेहनत की आग में पकाओ. सच्चे रिश्तों का गाढ़ा रंग उस पर चढ़ाओ, वो प्रतिमा जीवंत हो उठेगी. वो प्रतिमा जीवंत हो उठेगी, तुम्हारा हाथ पकड़ तुम्हें जिंदगी से मिलवाएगी, जिंदा रहने के सही मायने समझाएगी. तो ये सोफिया मैं आपके लिए, आप ऐसे ही मेहनत करती जाइए और आगे आप बहुत कुछ कर सकती हैं. आपका बहुत ही उज्जवल भविष्य है. तो हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ है. तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए. तो इंदिरा जी, मैं पूछना चाहूंगी, हमारे साथ मारिया जुड़ी है क्या? वो सर्वमंगला स्वाम जी की. वो तो अरीना नोविकवा सुनाएंगे. अरीना जी, अरीना तो आप हमारे साथ सर्वमंगला स्वाम जी भी जुड़ी है. सुनाए. अच्छा ये. मैं एक और कविता पढ़ना चाहती हूँ. सर्वमंगला जी, आपकी कविता पढ़ रही है. जी, स्वागत है. सर्वमंगला साओम की कविता पढ़ूंगी.
изгнам Авсаны. Капхи рачитхе гиджохамны. Банджерме виранонме. Чарча ач унхи кихоти. Дуньянке Авсанонме. Зикр киятха. Ункахамны. Юнхи батон-батонме. Ликдалахе нам хамара. Дуньянне диванонме. Гейрон ки рахом се чуна. Шуль самарпит хатхон се. Фульк хилла джадахе хисмат. Дживан ке сунсанонме. Джин кзикр киятха кевель. Моусам орхаваун се. Ун батон ке хушбу махки. Хетери мусканонме. Тумсе чрето сач мано. Гумсум манка фуль раха. Ор нирантар рахе гадакате. I'm sorry. Харе бхаре баганонме. Во бастик я чутихамсе. Апнагарби чхудгая. Баски бхи хамбас на насаке. Шахаронке маканонме. Чхор кинаре дхаронке санг. Дилько сункар логбаге. Джанне китна дарбхаратха. Малахунки танонме. Дханьяват. इतना अच्छा जिस भाव से मैंने लिखा था उसकी पूरी अभिव्यक्ति हो रही थी और सबसे बड़ी बात कि आपकी कविता जिसने पढ़नी थी वो नहीं आ पाई और इंदिरा जी के प्रयास से इसने आपकी कविता सुनाई तो सोचिए मतलब आप बिल्कुल कि कोई भी बच्चा की कविता प्रशंस नहीं है श्वेता जी धन्यवाद श्वेता जी श्वेता जी सुखिंदरा ही बोल रही है और वो वीडियो जरूर आप डाल देना मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ बहुत बहुत धन्यवाद करना हाँ जी हाँ जी फेसबुक पे जैसे भी हो नहीं तो महादेव जी लक्ष्मी जी धन्यवाद धन्यवाद इंदिरा सबको मेरी तरफ से भी नमस्कार जी धन्यवाद नमस्कार संजय कुमार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ श्वेता जी